सजा। खुदा का लाख लाख शुक्र है ईशा तुम्हारे साथ थी, मगर अब मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? बस थोड़ी देर में हम घर चलते हैं, मैं जरा बाहर ईशा को देख लूं, बहुत परेशान है वो भी। अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? जी, अगर मैं ना होती तो? अगर तुम ना होती तो कोई और ईशा होती जो मेरी बेटी की जिंदगी में फरिश्ता बन के आती और उसकी जिंदगी बचाती। हमें दोस्तों की जरूरत तो सारी जिंदगी रहती है ना। इनको कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं मेरा बच्चा, बस तुमको आकर कुछ नहीं होगा। खुदा बहुत बड़ा है, रहम करने वाला है, कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे को। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है ना, और ये कौन सा पहली दफा हुआ है? आपको पता है कि होता रहता है ऐसे। वाह, मतलब कितने कमाल की बात कर रही है ना आप, कि कुछ हुआ तो नहीं ना, और खुदा ना खास्ता जिस दिन कुछ हो गया उस दिन हमारा क्या हो? क्योंकि ये तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। नफीस, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ना बाबा, आई एम सॉरी, आई रियली एम वेरी सॉरी। कब रियलाइज करोगे इस बात को? आप जानती हो, आपकी सांसों के साथ हमारे दिल की धड़कन बंधी है। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो जिंदा नहीं रह पाएंगे ना। सोचा है कभी आपने? बाबा मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा? मुझे पता है मैंने आपको हर्ट किया है ना, प्लीज मुझे माफ कर दें। माफी तो नहीं मिलेगी, माफी हरगिज नहीं मिलेगी जब तक आप प्रॉमिस नहीं करोगी कि अब आप अपनी दवा में नागा नहीं। बाबा नागा तो मैं पहले भी नहीं करती थी, बट आई प्रॉमिस मैं अब जहां भी जाऊंगी दवाइयां साथ लेके जाऊंगी ताकि टाइमिंग्स में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यार यासिर, आज तो तेरी छुट्टी थी, आज क्यों हॉस्पिटल ले आया? कुछ नहीं यार, पापा या किसी दोस्त की फैमिली आ रही है, उन्हें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो इसलिए मैं अपॉइंटमेंट दिलाने आया। यार हमारी मूवी का टाइम है, निकल जाएगा। यार सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, डॉक्टर किसी मीटिंग में बैठे हैं, जैसे ही फ्री होंगे मैं बात करके आता हूँ। यार मैं क्या करूँगा जब तक? छुट्टी का टाइम है, मोस्टली कैबिन्स खाली पड़े हैं, तो किसी भी कैबिन में जाके बैठ जाए, मैं बस अभी आया। अच्छा जल्दी कर, मैं ज्यादा देर वेट नहीं करूँगा। हाँ ओके श्योर, बस अभी आया। तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों ले आई हो? वैसे भी आंटी ने कहा था कि तुम्हें शॉपिंग के बाद सीधा घर लेके आना है। ईशा सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, रास्ते में था तुम्हें पता ये काम भी निपट जाएगा, बेहतर नहीं है रिपोर्ट ही तो पैक करनी है सिर्फ। एज इफ तुम्हारे डॉक्टर शिराजी तुम्हें 2 मिनट में आने देंगे। भाई मैंने शिराजी से मिलना ही नहीं है, वो तो अपनी किसी मीटिंग में बिजी है। आई जस्ट हैव टू गेट द रिपोर्ट्स फ्रॉम हिज असिस्टेंट। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे प्लीज। अच्छा तुम्हें काम करो, तुम जाकर रिपोर्ट्स लेके आओ, मुझे भूख लगी है, मैं कैंटीन से कुछ लेके आती हूं। अच्छा ठीक है बाय। डॉक्टर शिराजी, एक्चुअली मुझे डॉक्टर शिराजी के असिस्टेंट से मिलना है। जी मैं जहरान, मैं हूं डॉक्टर शिराजी का असिस्टेंट। मुझे शिराजी के लिए रिपोर्ट्स के सिलसिले में मिलने के लिए आपसे कहा था। आप आइए ना, आप बैठिए। थैंक यू। वो शिराजी के लिए मुझे कहा था कि मैं आपसे मिलूं,
आप ही उनके असिस्टेंट हैं, राइट? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरी रिपोर्ट्स आ गई होंगी, राइट? रिपोर्ट्स? हाँ जी, अलीम नफीस के नाम से। वैसे आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। क्या मतलब है आपका? क्यों? आपकी कोई तारीफ करे तो आपको अच्छा नहीं लगता? देखिए, मैं यहाँ पे अपने रिपोर्ट्स के लिए आई हूँ, आप प्लीज मुझे मेरी रिपोर्ट्स दे दें। देखिए, रिपोर्ट्स तो आपको नहीं मिल सकती हैं। क्यों? डॉक्टर शिराजी ने शायद आपको बताया नहीं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और उनके सारे पेशेंट्स मैं डील करता हूँ। साइकोलॉजिस्ट? मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। यही तो आपकी गलतफहमी है। दुनिया में बहुत सारे लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर? ऑफ कोर्स आप भी हैं। जबी तो अपनी तारीफ सुनकर खुश होने के बजाय अब बुरा मान रहे हैं, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, ये सब इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। ओके, आप ऐसा करें, आप मुझे मेरी रिपोर्ट दे दें, मैं शिराजी को से खुद ही बात कर लूंगी। दरमियान में से किसी की बात काट कर बात करना, ये भी इसी चीज के सिम्टम्स हैं। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है कि लोग अपने बीमारियों के इलाज में क्यों कामयाब नहीं होते? क्योंकि वो अंदर ही अंदर हार चुके होते हैं। यहाँ पर भी हमें एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, जो कि पेशेंट को जिंदा रहने की हिम्मत देता है। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपकी आधी बीमारी आपकी सोच है। मेडिसिंस भी तभी असर करती हैं जब आप अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार। पर मेरे अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को और बीमारी को फेस करने की सलाहियत है। नहीं, इस सलाहियत को जांचना भी मेरा ही काम है। आप मुझे कल शाम को दोबारा मिले, कल फिर बात होगी। मगर क्यों, आपने जो बात करनी आज ही कर ले, यहाँ बैठे तो डिस्कशन हो ही जाएगी। एक और गलत है, बीमारी से जान छुड़ाने के लिए जरूरी है कि आप हॉस्पिटल के माहौल से निकलकर बाहर बात करें। खुद को सेहतमंद इंसान समझते हुए किसी भी अच्छी जगह पर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। तो मेरा ख्याल है कि हम कल शाम को कॉफी शॉप पे मिलते हैं, कैफे कॉफी डे पर। कैफे कॉफी डे पर वहाँ क्यों? ये भी डिसाइड करना मेरा काम। कल 5 बजे कैफे कॉफी डे में आपका वेट होगा। भूलेगा कैफे कॉफी डे, राइट? वो डॉक्टर ही था ना? What do you mean by that? Of course, डॉक्टर था। शिराजी के असिस्टेंट है। बरीशा ने मुझे रिपोर्ट्स के लिए कल कॉफी शॉप में बुलाया। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे सेशंस होते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट है ना? ऐसे इलाज भी आसान होता है। तुम जरूर जाना, बीमारों में होप पैदा करता है। Are you sure कि उसने तुम्हें कॉफी शॉप में सेशन के लिए ही बुलाया? Of course, और किस लिए बुलाएगा? बड़ा मुझे कॉफी शॉप में बुला के कॉफी पिलाएगा ना भला? तैयार तो तुम इसी हिसाब से होके आई थी। You never know। पागल मत बनो। इशन पैक तुम भी चलो ना यार कल। अरे नहीं यार, मैं नहीं जा सकती, कल मेरी अम्मी के कुछ गेस्ट आने हैं, तो मुझे लगता है फिर से कोई रिश्ते रिश्ते का चक्कर है। ईशा, 2-3 घंटे की तो बात है यार, रिपोर्ट से तो लेनी है। कल नहीं तो परसों का रख लो। मना कर दी उसको और मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है? ठीक है, ये बेहतर है। लेकिन क्या तुम्हारा इलाज भी तो जरूरी है ना यार? आई नो, और ये भी सोचूं कि मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है कि मैं से मना करूं, और फिर ऊपर से शिराजी अंकल का असिस्टेंट है यार, बहुत बदतमीजी लगेगी, राइट? तो जाओ। गुड गर्ल, अब तुम कल ही जा रही हो, ये डन हो गया, ठीक है? ओके। यार तू बिल्कुल पागल इंसान है, तू जानता भी है कि डॉक्टर शिराजी कौन है? डॉक्टर शिराजी जो भी हो, मैं तो कल उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ। और अगर उस लड़की को पता चल गया कि तुमने उसे झूठ बोला है तो चल जाए पता। जब तक उसको पता चलेगा तब तक मेरी उससे दोस्ती हो चुकी होगी। और अगर वो इस बात से हर्ट हो गई, पता नहीं क्यों डॉक्टर से मिलना चाहती होगी, किसकी रिपोर्ट्स के बारे में जानना चाहती होगी, क्या बीमारी होगी उसे। डॉक्टर्स के पास तो वैसे भी सैड न्यूज का अंबार होता है, लेकिन तुमने तो अपनी मस्ती कर दी ना। यार क्या बीमारी हो सकती है उसको, अच्छी खासी सेहतमंद थी वो, तो सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स लेने आई थी। अब ये बता, मूवी पर जाना है कि नहीं? हाँ। वो शिराजी के लिए मुझे कहा था कि मैं आपसे मिलूं। आप ही उनके असिस्टेंट हैं, राइट? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरी रिपोर्ट्स आ गई होंगी, राइट? रिपोर्ट्स? हाँ जी, अली नफीस के नाम से। वैसे आप खुद भी बहुत खुश हैं। क्या मतलब है आपका? ज़ारा,
आप किन ख्यालों में घूमे? तुम्हें पता है कल शेरबानो आ रही है। Really? ये तो बड़ी अच्छी बात है, congratulations। जी तो तुम उसे एयरपोर्ट लेने चले जाना, 6 बजे की फ्लाइट है। क्यों? मैं क्यों उसे लेने जाऊं? क्योंकि तुम्हारे पापा बिजी हैं और वैसे भी वो तुम्हारी फियांसे है। अम्मी फियांसे है तो मैं क्या करूं? ज़ारा, तुम उसको एयरपोर्ट पे भी लेने जाओगे और उसके साथ टाइम भी स्पेंड करोगे। That's how you will get to know each other. नहीं, प्लीज, ये देख, कितनी दफा मैं गया हूं शेरबानो के साथ, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। अपने पापा के सामने ना ये बात गलती से भी मत करना, तुम जानते हो ना वो कितने सीरियस हैं। वैसे तो डैड बहुत लिबरल बनते हैं, लेकिन मेरी तरफ जीरो टॉलरेंस, खुद अपनी मर्जी से शादी कर ली, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का हक भी नहीं। क्यों आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं? तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, शादी तभी करेंगे जब तुम शादी के लिए तैयार होगे। ओके? हाँ जो भी है, लेकिन मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। ज़ारान प्लीज, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, एयरपोर्ट तुम ही जाओगे। अब आओ नीचे आओ, डिनर रेडी है। मी ज़ारान को बता दिया कि शेरबानो आ रही है? जी मैंने बता दिया उसको, लेकिन ही इज नॉट सीमिंग इंटरेस्टेड, कह रहा है उसका कोई और प्लान है, वो नहीं जाएगा उसको रिसीव करने। उसका कोई भी प्लान, कोई भी एंगेजमेंट शेरबानो से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ इसी काम के लिए आ रही है। और ज़ारान को बोलो कि अपने सारे काम छोड़कर फुल टाइम इसको दे। आरिफ साहब, अब क्या आप इसमें भी अपनी मर्जी करेंगे? अरे मैं अपनी मर्जी कहाँ चला रहा हूँ, शादी की बात कर रहा हूँ। But he's not interested in शेरबानो, वो उससे शादी नहीं करेगा। तो उसे समझाओ और उसको बताओ कि उसकी शादी सिर्फ शेरबानो से होगी, बस। लेकिन सुने, देखिए आज से पहले आपको सब डॉक्टर्स ने यही कहा होगा कि आपको ये बीमारी है वो बीमारी, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। मुझे पता है कि आपको क्या बीमारी, मैं आपको जीने की वजह दूंगा, मैं आपको ठीक करूंगा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। बेटा कहाँ जा रही हो तुम? अम्मा को मैं रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पापा आते हुए लेते आएंगे ना। अम्मा एक्चुअली मैंने बुकशॉप से कुछ नॉवेल्स भी लेनी है, तो मैंने सोचा रिपोर्ट्स भी ले लूंगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी दूर अकेले जाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है आप मुझे क्यों रोक रही है, इसीलिए ना कि अगर रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव आ गया तो शायद मैं टेंस हो जाऊं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो। क्या हो गया तुम्हें, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो, हर वक्त ऐसी बातें करती हो। यही तो बात है अम्मा, अगर हम अपनी बीमारियों को फेस करने की हिम्मत रख लेंगे तो हमारी बीमारियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर शराजी के एसोसिएट ने तो मुझे ये बात बताई है, उन्हीं से तो मिलने जा रही हूँ। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा ड्राइवर को साथ लेकर जाना। ऑफ कोर्स अम्मा, ड्राइवर के साथ ही जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। वहां पहुंचकर रिपोर्ट्स लेकर मुझे कॉल कर देना। ओके खुदा हाफिज़, अपना ख्याल। अच्छा एक मिनट रुको, इधर आओ। क्या 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 कर रही है अम्मा? अब जाओ मेरी प्यारी अम्मा, खुदा हाफिज। ये कैसी जिद है आरिफ, बच्चों को अपनी मर्जी से फैसला करने का भी हक होना चाहिए। देखो बच्चों को अपनी मर्जी उस वक्त करनी चाहिए जब उनमें फैसला करने की सलाहियत हो, उनका बाप जिंदा है, फैसला हो चुका है, शादी उसी से होगी। आपने जूबिया के साथ भी बिल्कुल यही किया था ना, मुझे याद है कैसे मेरी बच्ची ने अपना दिल मारा था आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो क्या वो खुश नहीं है? हाँ वो फैसल अच्छा शौहर साबित नहीं हुआ क्या? मैं ये नहीं कह रही थी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ माँ ही महसूस कर सकती है। आपको क्या लगता है वो हर दूसरे दिन अपने दोनों बच्चों को लेके हमारी तरफ क्यों आ जाती है? भाई ये उसका अपना घर है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसका शौहर और ससुराल वाले इस बात पर एतराज नहीं करते। अच्छा छोड़ें, आप नहीं समझेंगे, मैं ज़ारान की बात कर रही हूँ। जूबिया ने तो आपकी बात मान ली थी, ज़ारान लड़का है,
वो इतनी आसानी से आपका फैसला कबूल नहीं करेगा। मैं भी उसकी ये बात कबूल नहीं करूंगा कि वो शेरबानो को रिजेक्ट करे। अच्छी लड़की है, शादी सिर्फ उसी से होगी। और हाँ, एक बात उसे बता दो कि शेरबानो के वालिद को इनकार करना नामुमकिन है। दारान को शादी के लिए तैयार करो। Hi. Hi. Thank you so much, doctor, for giving me your time. My pleasure. मेरी रिपोर्ट? इतनी भी क्या जल्दी है आपको? थोड़ा सांस तो लेने दीजिए। आप यहाँ अक्सर आते हैं? हाँ जी। आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? No, thank you. I have my coffee. चलो, ये तो बड़ा अच्छा किया यार, तुम खुद ही आ गए। हाँ रफीज, आज मैं फ्री था, सोचा मैं खुद ही चला जाऊं। ये बताओ कि अरीन कहाँ है? घर में बिल्कुल खामोशी है ना, मेरा ख्याल है कि वो घर पे नहीं। शहराज़ी, मैं अरीन की वजह से बहुत परेशान हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जाहिर है मैं उसकी मां को हौसला देता हूं, लेकिन अंदर से शायद मेरा अपना हौसला जवाब दे चुका है। फिक्र मत करो रफीज, जो दवाइयां लिख के दी है बस उसे पाबंदी से देते रहो। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अरीन के प्रेशर कम हो जाएंगे, और जैसे ही प्रेशर कम होंगे हम सर्जरी कर सकते हैं। दवाइयों में कोई नागा तो नहीं कर रही ना? अरीन को टाइम पे दवाई लेनी है प्लीज। और हाँ, साथ साथ आराम की भी बहुत जरूरत है उसे। शराजी, अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ना हुआ तो सर्जरी नहीं हो सकेगी ना? हाँ, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हुआ तो हम सर्जरी का सोच तो सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मुझे अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। सच्ची बात यह है कि बस ये उम्मीद है जिसके सहारे मैं जिंदा हूं। हम उस बारे में बात करें जिसलिए हम यहाँ मिले हैं। देखिए, आप इतनी जल्दबाज क्यों? ये आपकी जो बीमारी है बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दबाज हो जाते हैं। बेसिकली आपको स्किज़ोफ्रेनिया सिंड्रोम है। डॉक्टर साहब, आप बिना वजह सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज मुझे मेरी रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। अब मैं आपको क्या बताऊं? जो भी बताना है बता दीजिए, मैं सुन लूंगी। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपको सुनाने के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, आप बुरी खबर ही सुना दें। आप सुन लेंगे? हाँ, क्योंकि मैं सच को फेस कर लेती हूँ चाहे वो कुछ भी। देखिए, आज से पहले आपको सब डॉक्टर्स ने यही कहा होगा कि आपको ये बीमारी है वो बीमारी है, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। मुझे पता है कि आपको क्या बीमारी है। मैं आपको जीने की वजह दूंगा, मैं आपको ठीक करूंगा। आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? क्या है मेरी रिपोर्ट में? क्या आप मेरी बात करें? एक सेकेंड, हॉस्पिटल से पहुंच। हेलो, क्या आप ले जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए? एक सेकेंड रुकिए, मेरी बात करिए पेशेंट से। हॉस्पिटल से फोन है, मुझे पेशेंट से बात करनी। शकूर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम रुको वहां पर, मैं अभी आ रहा हूं। और इनको बिल्कुल अपने आप को हाथ ना लगाने देना। बंद करो फोन, मुझे जाना होगा अरीन, उसे मेरी जरूरत है, वरना वो मर जाएगा। क्यों, ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, उसको भी कुछ ऐसी ही बीमारी। आई हैव टू गो। कहां जा रहे हैं आप? हम कल मिलेंगे यहां पर इसी टाइम पर। ओके, मगर मेरी रिपोर्ट कल। God, ये किस तरह का पागल सा क्या चीज है?
पता नहीं तुम्हारे बाबा ये क्यों नहीं समझ पाते कि जरान उनका ये फैसला कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई उसकी मर्जी के बगैर कुछ कर सकता है, वो भी शादी का फैसला। तो मामा उसकी फ्रेंड्स लिस्ट तो बहुत लंबी है, उसने किसी फ्रेंड का जिक्र नहीं किया आपसे? हो सकता है वो किसी और में इंटरेस्टेड हो। इस तरह की तो कोई हिंट नहीं दिया उसने मुझे कि किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, बट आई एम वेरी श्योर कि शेरबानो में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर आप बाबा को समझाएं ना, इस तरह से तो बात मजीद बिगड़ जाएगी। बेटा तो अपने बाबा को जानती हो ना, वो किसी की सुनते हैं? जानती तो हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जारान किसी भी बात पे समझौता नहीं करेगा। लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है तो मैं भी शेरबानो को पसंद कर सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। शेरबानो इज अ नाइस गर्ल, हम उसे कब से जानते हैं। देखिए आज से पहले आपको सब डॉक्टर्स ने यही कहा होगा कि आपको ये बीमारी है वो बीमारी, लेकिन सब झूठ बोलते रहे। मैं आपको जीने की वजह दूंगा, मैं आपको ठीक करूंगा। बेटा आ गई तो? जी अम्मा मैं आ गई। बेटे ले आई रिपोर्ट्स? नहीं अम्मा, एक्चुअली मैं डॉक्टर शराजी की एसोसिएट से मिली थी, वो कह रहे हैं वो रिपोर्ट्स कल देंगे। तुम हॉस्पिटल गई थी? नहीं, वो मुझसे हॉस्पिटल में नहीं मिले थे। फिर कहाँ मिला था? कॉफी शॉप में। वैसे अम्मा डॉक्टर शराजी ने भी ना किसी अजीब इंसान को अपॉइंट कर लिया, वो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट से नहीं मिलता बल्कि बाहर उन्हें बुला के उनका इलाज करता है। ये सब क्या कह रही हो बेटा, किससे मिलकर आई? बताया तो था आपको, शराजी अंकल के एसोसिएट से, वही जो साइकोलॉजिस्ट है। अम्मा वो बहुत अच्छा इंसान है, कहता है कि अगर अपनी बीमारियों को फेस करने के लिए हिम्मत रख लो ना तो बीमारियां खुद ही खत्म हो जाती हैं। बेटा तुम्हारी रिपोर्ट्स घर आ गई हैं। क्या मतलब? डॉक्टर शराजी तुम्हारे बाबा से घर मिलने आए थे, बल्कि मैं तो मिसेज अल्ताफ के यहाँ गई थी, मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। यानी शराजी अंकल खुद घर आए थे रिपोर्ट देने? तो अम्मा वो साइकोलॉजिस्ट, उसने तो मुझे बोला था कि वहां पर। क्या नाम था उसका और ये किससे मिलकर आई? तुम ऐसे मुंह उठाकर किसी से मिलने चली जाती हो? बेटा ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की है तुमने। अम्मा लेकिन उसने तो मुझे खुद कहा था, वो मुझसे मिला था और बल्कि डॉक्टर शराजी के ऑफिस में मिला था, उन्हीं की सीट पर बैठा हुआ था। अब आप मुझे खुद बताएं, कोई किसी की सीट पर कैसे बैठ सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ कि कोई भी असिस्टेंट अपने बॉस की सीट पर नहीं बैठ सकता। पता नहीं कौन आदमी था वो। जारान, जारान नाम बताया था उसने अपना। जो भी नाम है उसका, अब तुम उससे नहीं मिलोगे। पता नहीं कौन था वो। करती हूँ तुम्हारे बाबा से बात, वो डॉक्टर शराजी से खुद ही बात करेंगे। ओके। कॉफी नहीं पिलाओगे आज भाई? तो अच्छा दसवीं पढ़ रही हो, पढ़ लो पढ़ लो। आज आर्यन ने मुझसे झूठ बोला है। क्या? मुझे कह रही थी कि वो हॉस्पिटल अपनी रिपोर्ट्स लेने जा रही है, लेकिन वो हॉस्पिटल गई ही नहीं। कहाँ गई फिर? किसी से मिलना है। तो इसमें क्या बड़ी बात, क्या हर्ज है इसमें? वो उस लड़के से मिलने गई थी जिसे वो जानती तक नहीं। मजाक कर रही होगी वो, उसकी आदत है तुम्हें छेड़ती रहती है वो। तो इस तरह की बेवकूफी नहीं कर सकती। इस तरह की बेवकूफी वो कर चुकी है। मेरे पूछने पर बता रही थी कि उस लड़के का नाम जारान है, जो डॉक्टर शेराजी का असिस्टेंट है, उससे मिलने गई थी। तो ही नहीं सकता, इसलिए कि डॉक्टर शेराजी का इस नाम का तो कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं उसके सारे असिस्टेंट्स को जानता हूँ। अच्छा,
तो फिर अरीन किससे मिलने गई थी? कहीं उसे किसी से? नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, हमारी बेटी से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो हमसे शेयर करेगी, बताएगी जरूर। अगर तुम भी वहम पालना छोड़ दो, खुदा का शुक्र अदा करो, इतनी बहादुर बेटी है हमारी। ठीक है, बिला वजह की परेशानी। देखो, I'm sorry, मेरा अंदाज शायद गलत था, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगने लगी। Will you marry me? जब से मुझे बताया ना अम्मी ने कि शेराजी अंकल खुद घर पे रिपोर्ट्स ड्रॉप करने आए थे, तब से मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। शेराजी अंकल पर? नहीं यार, उस फ्रॉड आदमी पर। मुझे तो वो डॉक्टर भी नहीं लग रहा। लेकिन तुमने तो कहा था कि डॉक्टर बहुत हैंडसम और चार्मिंग है, और उसे देखते ही तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। हाँ कहा था, पर आई थिंक ही इज अ कॉन मैन। बहुत ही फ्रॉड और घटिया किस्म का दो नंबर आदमी लग रहा था। नाम क्या है, कौन है, कहाँ रहता है? जारान नाम बताए। नाम तो अच्छा है। अच्छा ये बताओ, अगर वो तुम्हें दोबारा मिल जाए तो तुम क्या करोगी? मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगी। ऐसे लड़कों को ना सबक सिखाना चाहिए ताकि वो किसी और लड़की को बेवकूफ ना बना सके। अच्छा, तुमने उसे अपना नंबर वंबर तो नहीं दे दिया था? पागल लगती हूँ मैं तुम्हें? लेकिन मुझे लगता है उसने तुम्हारा नंबर हॉस्पिटल से ले लिया होगा। प्यार मोहब्बत की बात है ना, सोशल में ऐसी होती है। यहाँ पर कोई प्यार और मोहब्बत का सीन नहीं, और ना ही मुझे ऐसी फजूल और घटिया बातें अच्छी लगती है। लेकिन फिल्मों में तो ऐसे होता है ना कि लड़का लड़की की जिंदगी में ऐसे एंट्री मारते हैं और उसके बाद लड़की को लड़के से मोहब्बत हो जाती है। मैं इस तरह की फिल्मी और फजूल बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती, एंड यू नो दैट। चलो देख लेते हैं। क्या देख रही हो? नहीं देख रही हूँ, जब तक तुम उसे डॉक्टर वॉक्टर से मिल के आई हो, रंग तो बड़ा निखर गया तुम्हारा है। खबरदार जो उसका जिक्र मेरे सामने किया, पागल। अच्छा ये बताओ, अगर वो तुम्हारे पीछे पीछे घर तक आ गया तो? ऐसे लड़कों को ना घर आते हुए मौत पड़ती है। ये फ्लर्ट किस्म के जो लड़के होते हैं, घर आ गया, आए तो सही, इतनी हिम्मत उसकी? मतलब के पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अगर लड़का घर आ गया तो लड़की उसके बारे में सोच सकती है? तुम ईशा ना बहुत चलाक हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, पॉपकॉर्न खा रही हूँ मैं। तुम पॉपकॉर्न खाओ, मैं इस आदमी का इलाज ढूंढती हूँ। ये तूने मुझे किसका नंबर दे दिया? वो तो कोई बेवा औरत थी। हाँ, ये कहीं तेरी खाला की बेटी का नंबर तो नहीं? अबे क्या हो गया तुझे, उसका नंबर तुझे क्यों दूंगा यार, गलती से किसी और का नंबर दे दिया होगा। अब वैसे भी अगर वो लड़की तुझे नहीं मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है तुझे, कोई और आ जाएगी। फर्क पड़ता है मुझे, और इस दफा तो मुझे कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ता है। अच्छा क्यों? वो कोई आम लड़की थोड़ी थी यार, कुछ तो है उसमें यार कि मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा। ऐसी क्या बात है उसमें, और उसने तुझे कुछ कहा है क्या? कह भी देगी यार, लेकिन इस तरह अचानक गायब हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। छोड़ ना यार, उसे कहाँ ढूंढेगा, इतनी बड़ी दुनिया है। ढूंढ तो मैं लूंगा बेटा, आज या कल वो मेरे साथ होगी। आई रियली लाइक हर यार। ओ हेलो, अभी अपनी मंगेतर शहरबानो के बारे में सोच। यार मेरा मूड तो ना खराब कर। बेटा तुम्हारी लाइफ खराब होने वाली है और तू सिर्फ मूड की बात कर रहा है। मैं एक बात बता दूं, मैं शहरबानो से शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। बुराई क्या है उसमें, खूबसूरत है, अमीर बाप की इकलौती बेटी है, प्लस शी इज अमेरिकन नेशनल यार, ना शुक्रिया और क्या चाहिए। यू थिंक आई केयर कि वो अमेरिकन नेशनल है, अमीर बाप की बेटी है? मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो एक सिंपल हाउसवाइफ चाहिए यार, जो मेरा ख्याल रखे। अलबत्ता शेरबानो जो है ना, एक डिक्टेटर या किसी मल्टीनेशनल कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटर जरूर बन सकती है, लेकिन मेरी बीवी नहीं। देख, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। अरे तो रिसीव करो ना यार, क्या बात करूं उसे, यही बोलेगी ना कि क्यों नहीं आए एयरपोर्ट लेने, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे नहीं करनी यार इसे शादी, मैं जा रहा हूं। अरे तो
बेटा तो फ्लाइट कैसी रही तुम्हारी? आंटी फ्लाइट तो बहुत अच्छी थी, बट वो एयरपोर्ट पे आके जो वेट करना पड़ा। आई नो। हाय, व्हाट अ सरप्राइज शेरबानो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम आज अमेरिका से आ रही हो। वेरी वेल सर। बाय द वे कहाँ बिजी थे तुम? तो मुझे पिक करने वाले थे ना शायद? आई एम रियली सॉरी शहर, मैं बिल्कुल भूल गया था कि तुम आज आ रही हो। ज़ारान, एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे इसको लेने? बहुत लापरवाही दिखाई है तुमने। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अच्छा, तुम फोन करे? लेट मी चेक। साइलेंट विद आवर फोन। और मैं जब आपको फोन कर रही थी, आपका फोन कंटिन्यूअसली बिजी आ रहा था। नहीं, मैं कुछ जरूरी बात भी तो कर सकता हूँ। जरूरी बात और तुम? देखो ज़ारान, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम कोई जरूरी बात नहीं कर सकते। और सुनो, तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ होना नहीं चाहिए। अच्छा शेरबानो, आई एम रियली सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुम एयरपोर्ट से आने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? तुम क्या समझते हो, तुम मुझे पिक नहीं करोगे तो मैं घर नहीं पहुंच सकती? मैं खुद भी आ सकती हूँ, इवन आ भी गई। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम शायद तुम्हें है, वो भी मुझसे। अच्छा ज़ारान, अब आइंदा शेरबानो को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए तुमसे। नहीं, अब इस बात को छोड़ भी दे। अच्छा, आप लोगों से डिनर पे मुलाकात होगी, तब तक आप दोनों मेरी और बुराइयां कर लें। ओके बाय। मजाक कर रहा है बेटा, मैं जानती हूँ उसको। अच्छा ये बताओ, मामा और बाबा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, और आपको सलाम कह रहे थे। I really miss them. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? बैठो। बिल्कुल ठीक ठाक। रेस्ट कर लिया तुमने? जी मैंने रेस्ट किया। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? नो बेटा, आई वाज जस्ट रीडिंग। अंकल वो मेरी पापा से बात हो रही थी अभी, उन्होंने कहा मैं आपसे बात कर लूं। हाँ करो। पापा कह रहे थे कि आपने और उन्होंने कोई बिजनेस डील करनी है। हाँ, वो एक्चुअली बात ये है कि जो मेरी कंपनी है उसमें तुम्हारे नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके लिए तो फिर आपको मेरी साइन की जरूरत होगी, तो मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ। नहीं, देखो बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने में 2-3 दिन लगते हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा आई विल लेट यू नो, देन यू कम एंड साइन दैट। और बेटा किसी चीज की भी जरूरत हो जस्ट लेट मी नो। हाँ बिल्कुल अंकल, थैंक यू सो मच। आप किताब पढ़ें। थैंक यू। मम्मी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, डैडी ने मेरी शादी अरेंज किया या कोई बिजनेस डील? ज़ारान ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी इस तरह कर सकते हैं तुम्हारे साथ? बेटा ये कोई बिजनेस डील नहीं है, ठीक है? जमाल भाई और तुम्हारे डैडी बचपन के दोस्त हैं, और तुम्हारा और शेरबानो का रिश्ता जमाल भाई की वजह से हुआ है। उन्होंने तुम्हारे डैडी को फोर्स किया था कि वे शेरबानो की शादी तुमसे करना चाहते हैं। और दोबारा बेटा कभी ऐसा मत सोचना। जमाल भाई ने तुम्हारे डैडी से कहा था कि जब दो घराने एक हो रहे हैं तो क्यों ना बिजनेस पार्टनर्स भी बन जाएं। पर अम्मी आपने शहर को देखा है, वो इतनी डोमिनेटिंग है। मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या पहन रहा हूं, वो हर चीज में मुझे इंटरफेयर करती है। हर वक्त उसकी चैं खत्म ही नहीं होती। हाँ ये बात मैंने भी महसूस की है, पर शायद ये उसका स्टाइल ही ऐसा है। अम्मी उसका स्टाइल जो भी हो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं शेरबानो से तो हरगिज शादी नहीं करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला। ज़ारान, ज़ारान, बहुत देर हो गई आरिफ, तब आराम कर लें। हाँ बस थोड़ा सा काम रह गया है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ क्या बात है? आरिफ शेरबानो खुश नहीं है। आपने क्या जमाल भाई से शेरबानो और ज़ारान की शादी की कोई डील की भी है? तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अपने बेटे की शादी के लिए कोई डील करूंगा? ज़ारान तो यही सोच रहा है। देखो हमारे पास किस चीज की कमी है, जो कुछ भी है अल्लाह का करम है, मेहनत से कमाया है, बहुत कुछ है, तो मुझे जमाल के पैसों की जरूरत नहीं है। ये तो जमाल की जिद है कि वो शेरबानो के नाम से हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ज़ारान को ये बात सिर्फ आप ही समझा सकते हैं।
अब मैं क्या समझाऊं, मुको बच्चा तो नहीं है ना? बच्चा नहीं है, जब ही तो समझाने की बात कर रही हूँ। वो शेरबानो से शादी नहीं करना चाहता। तो फिर किसके साथ शादी करना चाहता है? हाँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने शेरबानो का रवैया देखा है जारान के साथ? भाई वो उसने शेरबानो को इग्नोर किया था, उसका राइट है कि वो उससे नाराज हो। आप समझ क्यों नहीं रहे, आपका बेटा उसे पसंद नहीं करता। तुम उसकी वकालत क्यों कर रही हो? पसंद और नापसंद क्या होती है वो तो जानता ही क्या है। उसको साफ साफ बता दो अगर उसकी शादी होगी तो सिर्फ शेरबानो से। बस लेकिन बस इस मौजू पर मजीद बात नहीं करना चाहता। जाते वक्त कुछ लाइट्स ऑफ कर देना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा। यार बड़ी अजीब लड़की, हर बात पे नजर, हर चीज में सवाल जवाब, कोई इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है? ये देख मेरे पांव को से सुबह क्या किया, पूछ पूछ के जरान कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, मैं स्लिप कर गया यार। यार ये तो तुम्हें पहले ही पता था। एक और बात सुन, ऊपर से पैसे का इतना घमंड, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो यार। यार हम कुछ चूड़े चमाड़े कि हमारे पास पैसा नहीं है, जैसे हमारे बिजनेस को ज्वाइन करके पता नहीं कहां से कहां ले जाएगी। तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? ये तुम्हें अगर उससे शादी नहीं करनी तो ना करो, इसमें तो परेशान होने वाली कौन सी बात है? परेशान नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई मेहमान है, मेहमान बन कर रहे, मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करे। अब मैं सुबह फोन कर रहा था, मुझसे आगे पीछे पूछने लगे, किसका फोन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, भाई तुम्हारा क्या मसला, मैं जिसको मर्जी फोन करूं, तुम कौन होती हो? बहुत केयरिंग है। भाई केयरिंग नहीं है वो, शी जस्ट वांट्स टू कंट्रोल मी। वैसे तू फोन किसको कर रहा था? अरीन को। क्या बात हो गई तुम्हारी उससे? नहीं यार, लेकिन फोन उसका खुला हुआ था, बेल जा रही थी। यार मैंने आज तक तुझे किसी लड़की के लिए इतना सीरियस नहीं देखा। तू सही कह रहा, मैं कभी किसी लड़की के लिए इतना सीरियस नहीं हूं। तो बस ये दिल करता है कि वो मेरे सामने आ जाए और मैं उसको सब कुछ बता दूं। ओ भाई बस, ये बातें तुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तू किसी लड़की के लिए इतना सीरियस कैसे हो सकता है, मैं मान नहीं सकता। ये लो भाई चाय। थैंक यू। उस बदतमीज का फोन आया था आज। तो क्या कहा तुमने? मैंने फोन नहीं पिक किया, मैं सो रही थी। एटलीस्ट उससे बात तो करती, अब पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। मेरी बला से जो सोचना है सोचे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो तुमने उसको अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका दिया? तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी गलती की माफी मांग रहा हो। दफा करो यार, जो भी, मैं से बात ही नहीं करना चाहती। कम ऑन अरीन, उसे एक बार अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दो। तुम उसको इतना डिफेंड क्यों कर रही हो बाय द वे? मैं उसे डिफेंड नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल सी बात है, एक इंसान है, वो तुमसे माफी मांग रहा है, ठीक है उसने गलती कर दी, तुम उसकी बात तो सुन लो। ईशा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती। तो एग्जैक्टली ना, फिर तो तुम्हें उसे जरूर कॉल करनी चाहिए। उसको कॉल करो, जो दिल में आता है उसे सुना दो। इस बात से उसे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें तो पड़ेगा ना, तुम्हें ही तो गुस्सा है उस पे। तो मुझे फोन दो, उसे मैसेज करके कहीं बुलाते हैं। लेकिन कुछ नहीं ना, हम उसे फोन करके बुलाते हैं, वहां पे जाके उसको सुनाएंगे। दो यार, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्यों मेरे वो सर पे सवार हो गई। बस बेटा, तुम तो गए काम से, अब मुझे लगता है कि कोई नया दोस्त ही ढूंढना पड़ेगा। अरीन का मैसेज है यार। क्या कह रही है? कह रही मीट मी एट द सेम कॉफी शॉप। वो मुझे उसी कॉफी शॉप में दोबारा बुला रही है। दैट मींस दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। तू आग एंजॉय कर, मैं तो जा। अरे हमें कहीं जाना है? अब मुझे फोन ना, मैं कमिटेड हो चुका हूं। ओके बाय। हाय, थैंक यू सो मच तुमार। मैं ईशा, अरीन की बेस्ट फ्रेंड। हाय। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे पता चल गया है कि तुम एक बहुत ही घटिया, बदतमीज और धोखेबाज शख्स हो। उस दिन भी तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया था। अपने टाइम पास के लिए लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो। आज के बाद अगर तुमने मुझे फोन करने की कोशिश की तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। और मुझे मैसेज करने की भी कोशिश मत करना। हो गई मुलाकात, खुदा हाफिज। देखो मेरी बात सुनो, तुमने जो कहना था कह लिया, अब मेरी बारी। जी बोलिए। देखो I'm sorry, मेरा अंदाज शायद गलत था, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगने लगी। Will you marry me?
What? धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा।